जो योजना के अनुसार से किसान के जो अभी ओलावृष्टि जल भराव हुए हैं उनका जो है विगत जो है 2 दिन से लगातार फोन आ रहे हैं और उनका टोल फ्री नंबर पे हमारे जो है शिकायत दर्ज की जा रही है। तो शिकायत दर्ज करने का एक समय अवधि निर्धारित की गई है, 3 दिन का समय है। उसके ऊपर जो है जो सभी किसान 3 दिन के अंदर जो रजिस्टर्ड हो जाएंगे टोल फ्री नंबर पे, फिर उसके बाद जो है उनकी एक लिस्ट आएगी जिले में, उनका जिले में उसके आधार पे जो है उनके व्यक्तिगत खेत पे जाके उनका जो है सर्वे किया जाएगा। और कितने किसानों को रजिस्टर्ड किया गया है अभी तक जो है 5,000 से ऊपर किसान का जो है शिकायत आ चुकी है टोल फ्री नंबर पे, और उनका जो है 3 दिन की अवधि के अनुसार से जो है जब समय सीमा समाप्त हो जाएगी उसके बाद जो है सर्वे हमारा जो है शुरू कर दिया जाएगा। उसका 10 से 12 दिन के अंदर जो है सर्वे खत्म कर दिया जाएगा, किसानों के खेत में जाके व्यक्तिगत जो है भौतिक सत्यापन किया जाएगा, उनका जियो टैगिंग किया जाएगा। जियो टैगिंग के आधार पर जो भी वहाँ पर जो है कमेटी द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि यहाँ पर जो है ओलावृष्टि से कितना % नुकसान हुआ है, तो उसके आधार पे जो है उनको किसानों को उसका लाभ दिया जाएगा। आप लोगों ने किसानों को किस तरीके से जागरूक किया है शिकायत करने के लिए? हमने जो है किसानों को जो है व्हाट्सएप के माध्यम से जागरूक किया है, कृषि विभाग के माध्यम से जो हमारा व्यक्तिगत जो है ग्रुप बना हुआ है उसके माध्यम से हमने एक मैसेज जो है शेयर किया है, और बाकी जो है किसान को जो हमने पेपर के माध्यम से भी हमने इसको बताया है, और व्हाट्सएप के माध्यम से तो पहले से बताया जा चुका है। हाँ सर, हमारे यहाँ ब्लॉक स्तरीय जो है कर्मचारी जो है तैनात किए गए हैं, तो वो जो है ब्लॉक स्तर पे जाके जो है अपना राजकीय बीज गोदाम में जो सरकारी जो कृषि विभाग का बीज गोदाम है वहाँ पर हमारा हेल्प डेस्क बना हुआ है, तो वहाँ पर जो है अपना व्यक्तिगत दावा किसान जमा करके जो है अपनी शिकायत दर्ज करा रहा है, और जो है न्याय पंचायत स्तर पर जो है हमारे जो है ATM BTM कृषि विभाग से तैनात किए गए हैं, तो वो अपने सभी किसान भाइयों को जो है प्रधान के माध्यम से जो है वो जागरूक किया जा रहा है कि अपना जो है व्यक्तिगत दावा 72 घंटे के अंदर जो है अपने कृषि विभाग में या बीमा कंपनी कार्यालय में जाके जमा करा दें, जिससे जो है समय से उनका जो है सर्वे किया जा सके। हमने जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया, उन्होंने तत्काल स्वयं भ्रमण किया, अपनी पूरी राजस्व की टीम लगा दी है, सारे लेखपाल SDM तहसीलदार कानून लोग गांव-गांव सब सर्वे कर रहे हैं। बीमा कंपनी वालों को भी मैंने बुलाकर कहा कि आप भी अपना सर्वे करिए और जल्दी से जल्दी किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, रिपोर्ट शासन को जाना चाहिए। चुनाव आयोग से मैं मांग करता हूँ, चूँकि अब चुनाव डिक्लेयर हो गया, आचार संहिता लग गई है, और माननीय मुख्य चुनाव आयोग से निवेदन है मेरा कि बुंदेलखंड के किसानों को फौरी तौर पर तुरंत राहत प्रदान करने का आदेश प्रदान करें, जो जिलाधिकारी महोदय को निर्देशित किया जाए कि जहां जो नुकसान हुआ है जिस लेवल पर, उस लेवल पर किसानों को तत्काल मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया जाए। देखिए, मैं भारत सरकार को पत्र लिख रहा हूँ माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर को, जो कृषि मंत्री हैं, कि एक तो किसान का जो क्लेम का समय 72 घंटा है, इसे बढ़ाकर 1 महीने कर दिया जाए, क्योंकि इनकी वेबसाइटें बंद हो जाती हैं, हैंग हो जाती हैं, पोर्टल बंद हो जाता है, तो किसान जब दैवीय आपदा पड़ती है पहले वो दैवीय आपदा को संभालता है, नष्ट हुआ वो दुखी होता है, जैसे कहीं अतिवृष्टि हो गई तो वो पानी निकालने में या फसल को बटोरने में या आग लग गई तो उसको संभालने में लगता है। 72 घंटे के अंदर कोई क्लेम नहीं कर सकता है, ये कोई मर्डर केस नहीं है, तत्काल FIR लिखाई जाए, तो इसमें 1 महीने का समय मिलना चाहिए किसानों को, और क्लेम का भी 100 दिन निर्धारित करें कि जब वो क्लेम उसको 100 डेज के अंदर मिल जाना चाहिए तभी उसका लाभ है, नहीं 100 डेज के अंदर बीमा कंपनियां क्लेम नहीं देती हैं तो उसके ऊपर ब्याज लगना चाहिए। ब्याज इसलिए मैंने कहा कि एक आयोग बना के, वैज्ञानिकों का एक कमेटी बना के इस पर रिसर्च हो और बताया जाए लोगों को, जनता को जागरूक किया जाए कि इन कारणों की वजह से आपके दैवीय प्रकोप हो रहा है, हो सकता है जो अत्यधिक क्रशर लगे हैं उसकी डस्ट से, या पहाड़ों का खनन हो रहा है, नदियों का खनन हो रहा है, वृक्षों का कटान हो रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, वृक्ष कट रहे हैं, जो भी कारण हो तो वो सरकार फिर उस पर संज्ञान ले, उस पर रोक लगाए, और इसके लिए नहीं होता तो फिर मैं जनहित याचिका में जाऊंगा कि एक आयोग गठित हो, उनसे जब कोई चीज़ कोई नहीं सुनता है तो अदालत है, जनहित याचिका में हमको पावर है, हम वहाँ निवेदन करेंगे कि आप आयोग गठित करें, इस कृषि बीमा के नियमों में संशोधन भी किया जाए। यस, थैंक यू।
है।